रहमान को आपने सीट के लिए फाइनल करने आया, आज आप इसका ओपनिंग करने हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर यहाँ देखिए, देखिए ताल्लुक मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और मौजूदा स्टूडेंट यूनियन का वहाँ का मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी भी हूँ। इन लोगों ने आज पार्टी का इनॉग्रेशन था ऑफिस का, तो इन लोगों ने कॉल किया तो उनकी कॉल पे मुंबई आना हुआ। आप देखें कि जो मौजूदा हुकूमत है हमारी, वो जिन वादों को और जिन नारों को देकर के सत्ता में आई थी, सबका साथ सबके विकास की बात इन्होंने की, मगर इनके 5 साल का अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो इन लोगों ने सिर्फ बयानबाजी की है, लफाजी की है, ग्राउंड पे कुछ काम नहीं किया है। जिन वादों को करके आए थे हुकूमत में, उनमें से एक वादे भी पूरे नहीं हुए। सिर्फ धर्म का सहारा लेकर के, जिस आइडियोलॉजी से वो लोग आते हैं उसका सहारा लेकर के लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम से घेरा है। जब भी हुकूमत किसी मुद्दे से, किसी इशू से घिरती है तो हमेशा या तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इशू आ जाएगा, कभी कोई और इशू आ जाएगा। आप देखें कि किस तरह की हुकूमत है ये। पिछले 5 सालों में इन्होंने मॉब लिंचिंग के नाम पर 150 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिसमें मुस्लिम तबके के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, उस पर जुल्म और ज्यादती की, दलितों के साथ की, इस तरह के और जो कमजोर तबके हैं उन पर जुल्म और ज्यादती की। जो वादों करके 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया कि हम हर साल देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 लाख भी नहीं दी, कहाँ है नौकरी? और लगातार आप देखें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टारगेट किया गया, कभी एमयू को जिन्ना के नाम पे, कभी जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे, कभी डीयू को, कभी जामिया को। तो ये इस बात को बताता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इनके पास सिर्फ खोखले नारे हैं और खोखले वादे हैं, और अपनी नाकामियों को और चोरियों को छुपाने के लिए ये लगातार मजहब का इस्तेमाल करती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि ये जान लें कि अगर देश का युवा पढ़ लेगा, अच्छी तालीम हासिल कर लेगा तो वो वोटिंग करेगा, स्मार्ट वोटिंग करेगा। वो एनालाइज करेगा कि कौन से लोग जो हमारे हुकूक दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। अभी आप देखें कि इन्होंने बजट पेश किया अपना, उस बजट में एजुकेशन का कोई मामला ही नहीं है, शिक्षा के लिए बजट ही नहीं लॉन्च किया। तो ये इस बात को बताता है कि ये जाहिल लोगों की हुकूमत है, तो ये चाहते हैं कि इस देश में सारे लोग जाहिल ही रहें। इनको सोचना चाहिए कि अगर इस देश का यूथ पढ़ेगा हर चीज़ से ऊपर उठ करके, जात और मजहब से ऊपर उठ करके वो पढ़ेगा, अच्छी तालीम हासिल करेगा, तो कहीं ना कहीं वो नेशनल डेवलपमेंट का काम करेगा, मुल्क को एक तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। मगर अपनी नाकामियों को ये लोग छुपाने के लिए सिर्फ मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय के नाम पर 150 लोगों की हत्या कर दी और वादा किए थे कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, और इनका मामलात है बड़े लोगों से, कोई 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग जा रहा है, कोई कहीं कुछ लेके भाग जा रहा है। अभी गुजरात के अंदर इन लोगों ने 6,000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाई, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आपने यूनिटी ऑफ स्टैचू का लोगो दिया उसका, मगर वही पैसा आप एजुकेशन में यूज करते, मुल्क की तरक्की में यूज करते, उससे क्या फायदा हो जाएगा? शहरों का नाम बदल रहे हैं आप, लोगों की तारीख को मिटा रहे हैं, इतनी आपको एलर्जी है हमारे नाम से, हमारी पहचान से, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आगरा के अंदर ताजमहल है, दिल्ली के अंदर लाल किला, जहाँ से वो आप खड़े होकर हर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हो, हट जाए वहाँ से, आप बंद कर दीजिए वहाँ से स्पीच देना, अगर हमारे लफ्ज मुस्लिम से, हमारे नाम से इतनी तकलीफ है इनको। आज इस ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है और आपके सामने मौजूद है हमारे सैयद कुर्बान साहब, जो नॉर्थ सेंट्रल से कैंडिडेट होंगे हमारे, और आफ्ताब साहब हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आज हम लोग इनको मजबूती देने के लिए आए थे और आने वाले इलेक्शन में हम लोग लगातार जो रैलियां होंगी, प्रोग्राम होंगे, उसमें आएंगे और अपनी स्पीच के सहारे जो लोग, जो हुकूमत की नाकामियां हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे। कितने कैंडिडेट खड़े करेंगे आप? अभी 10 सीट पर इरादा किया है महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी हमारी कोशिश चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हम लोगों ने एमयू के अंदर जो हमारा स्टूडेंट यूनियन हॉल है वहां पर अभी हम लोगों ने 2 तारीख को जितने भी पार्टीज हैं जिनको इन लोगों ने अप्रोच नहीं किया, अभी एक गठबंधन बन गया अलग, सपा बसपा का, फिर कांग्रेस वाला अपना अलग बना रहे हैं, तो जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी जो तंजीम है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब उन सब को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक नया हम लोग अलायंस पब्लिक के सामने पेश करेंगे और अपनी बातों से और अपनी सच्चाइयों से लोगों को हम कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करें। मुस्लिम भाई कन्फ्यूज नहीं होते, एक तरफ MIM भी खड़े कर रहे हैं, आप खड़ा कर रहे हो, तो यहाँ अगर बात करूँ, नहीं नहीं हम लोग मुस्लिम भाई भी खड़े हो रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, आप देखिए कि हर तबका इससे परेशान है। जिस तरह इन लोगों ने 5 सालों में जो भी बड़े फैसले लिए, सबसे बड़ा फैसला था डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का,
उस पर विफल रही। जी एस टी ये लेकर के आए, सिर्फ कमजोर तबकों को, जो गरीब तबका उसको चूसने का काम किया इन लोगों ने। जो बड़े आदमी थे उसको पैसा दे के बाहर भेज रहे हैं ये लोग, वो नाकाम रहा इनका। इस तरह के जितने भी बड़े फैसले लिए इन लोगों ने सिर्फ अपनी उसके लिए लिए, इस पर पब्लिक का कोई फायदा। आप देख किसानों के हाथ, दिन ब दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी 3 दिन पहले यूपी ईस्ट में जो है 2 किसान आत्महत्या कर लिए। ये सब तो मुद्दे कांग्रेस के भी है, सबके हैं। हाँ, आपके अलग मुद्दे क्या होंगे? क्या हमारा अलग मुद्दा ये है कि जिस तरह से लोगों ने जुल्म और ज्यादती किए पिछले 5 सालों में, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या अदर मार्जिनलाइज सेक्शन हो, उन सब को हम लोग अपने साथ इकट्ठा करके एक मजबूत विकल्प देंगे लोगों को। आखिर आप देखें कि देश के अंदर 2 नेशनल पार्टी है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व रखती है, एक हार्ड हिंदुत्व रखती है, और यही जो है रैंडमली चेंज होता रहता है। तो हम चाहते हैं, पूरे देश के आवाम से दरखास्त करते हैं कि आप कुछ नया करिए, अब युवाओं के हाथ में बागडोर दीजिए ताकि देश तरक्की के रास्ते पर दोबारा जा सके। सैयद कुर्बान साहब, आप क्या कहेंगे, जो आज आपके ऑफिस की ओपनिंग हुई लोकसभा चुनाव का, जो सीट का कंफर्म भी हो रहा है कि आपकी चुनाव सीट कंफर्म, तो क्या कहना चाहेंगे? हमें सबसे खुशी इस बात की है कि हमारे ऑफिस तक पहुँचे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ की आवाम का और इस डिस्ट्रिक्ट का, और साथ ही साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो इतने मीडिया हजरात यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर, यहाँ कई मसले हैं, इस एरिया की बात कर, कई मसले हैं जी, तो कौन सा मसला रहेगा आपके लिए खास तौर नजर में, इसको हल करना है, पहले उसे हल किया जाएगा मसले को? सबसे पहले हमारा मसला यही रहेगा कि यहाँ की गरीबी जो मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है, और आज मैं यहाँ 9 साल से हूँ, कोई यहाँ 25 साल से है, कोई यहाँ 50 साल से है, किसी को 5 साल हुए हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वादा करता हूँ अपने कायद के सामने कि मैं वो वादा पूरा करूंगा, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, गुलामी नहीं, दरबार में हिस्सा लेंगे सरकार।